होगा, अब इसमें यूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना है बाबू, सबसे पहले हम लोग के पास यहां पर आएंगे, लिखेंगे टू फाइंड डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पर टू फाइंड दी डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग को प्रूफ क्या करना है बाबू, यहां पर डी आपके पास साइन एक्स बाई डी एक्स इसका टू कौन सी बाबू, कॉस एक्स, यही हम लोग को कौन सी करना है, प्रूफ करना है। अब देख लो कि यहां पर साइन है, यहां पर कौन सी आ गया, कॉस, तो भाई कॉस कैसे आ जाएगा, तो जो रूल हम लोग पहले से जानते हैं ठीक उसी तरह क्वेश्चन को कौन सी करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग प्रूफ, और ये लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा वो साइन एक्स, इक्वेशन का कर देंगे फर्स्ट। जो हम लोग बैक क्लासेज में जो पढ़े हैं और थ्योरी आपको प्रूव हुआ है ठीक उसी तरह प्रूव होगा। तो इसमें आपको लिख दिया गया है कि d टू फाइंड d डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में साइन एक्स का अवकल गुणांक निकाले, और जिस तरह फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हम लोग किए हुए थे, और थर्ड के बाद में हम लोग कौन सी करते थे, फॉर्मूला का यूज करते थे, जैसे हम लोग बाइनोमियल में से एक्सपेंशन से हम लोग यूज करते थे। तो अब इसमें आप साइन कॉस की बात आ गया, तो इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल का फॉर्मूला कौन सी होगा, यूज होगा। इसलिए आप लोगों से पूछेंगे तो आप लोग बताने की भी कोशिश कीजिएगा, यदि नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना। चलिए वाई इसका टू क्या है, साइन एक्स, तो फिर हम लोग के पास क्या हो जाएगा, यहाँ अगेन कर देंगे और ये लेफ्ट लिखेंगे, और ये हो गया डेल एक्स एंड ये क्या हो जाएगा डेल वाई, आर स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिव वैल्यू। अब यहाँ पर हम लोग के पास आप तो जान गए कि अगेन लेट डेल एक्स एंड डेल वाई आर स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिव वैल्यू। पुनः मान लिया कि एक्स तथा वाई में क्रमशः डेल एक्स तथा डेल वाई को अलवृद्धि करने पर वाई टुगेदर डेल वाई और एक्स टुगेदर डेल एक्स। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, यह वाई प्लस क्या हो जाएगा डेल वाई हो जाएगा, और यहाँ पर साइन हो जाएगा, और एक्स प्लस क्या हो जाएगा डेल एक्स, इक्वेशन क्या हो जाएगा टू। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्टिंग कर देते हैं बाबू, जो बैक क्लासेज में आप लोगों को हम सब कुछ करवे किए होंगे। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन आपके पास हो गया फर्स्ट, और ये आपका हो जाएगा फ्रॉम इन आपके सेकेंड, और वी हैव लिखे या वी गेट लिखे, और यहाँ पर हम लोग के पास लेफ्ट में लेफ्ट से कौन सी करेंगे माइनस कर देंगे हम लोग, और यहाँ पर साइन हो गया एक्स प्लस का हो गया डेल एक्स माइनस क्या हो जाएगा बाबू साइन एक्स, वाई वाई कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू डेल वाई, और यहाँ पर आपका क्या हो गया बाबू साइन एक्स डेल एक्स माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स, इक्वेशन क्या हो जाएगा बाबू थर्ड। यहाँ तक हम लोग पहले से भी जानते हैं, और फिर इसको क्या कर देते हैं बाबू, फ्रॉम यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कौन सी बाबू, फ्रॉम डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाई डेल वाई है तो कौन सी से पुट करेंगे बाबू डेल एक्स इन इक्वेशन थर्ड, एंड टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो on the both side we have या we get लिख सकते हैं, है ना। अब यह समीकरण
इन्हें मैं डेल एक्स से भाग करता दोनों तरफ लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 देने पर, यहां पर अब हम लोग के पास क्या हो गया बाबू, लिमिट करेंगे और डेल एक्स टेंड टू का हो जाएगा 0 और यह डेल वाई वाई क्या होगा डेल एक्स हो गया, लिमिट हो जाएगा डेल एक्स टेंड टू का होगा 0 और यहां हो गया sin x प्लस का हो गया डेल एक्स माइनस क्या हो जाएगा बाबू sin x और y क्या हो जाएगा यहां डेल एक्स। अब ये लिमिट साइड होगा बाबू, क्या होगा साइड, तो हम लोग क्या कर देंगे बाबू dy / क्या हो जाएगा dx और ये लिमिट हो जाएगा और डेल एक्स टेंड टू का होगा 0। ये आपका फार्मूला हो गया, जैसे sin c - sin d क्या होगा बाबू sin c - क्या हो जाएगा sin d, तब बोलो sin c - sin d का फार्मूला क्या होता है बोलिए ईसा बाबू, sin c - sin d कौन बताएगा, कोई बताएगा 2 cos c + d / 2 into sin c minus d by 2। चलिए ये दीप्ति बाबू का आवाज लग रहा है, चलिए आप देखिए हमारे प्रिय बाबू यहाँ ध्यान देना है कि सबसे पहले कि हम लोग अभी बोले हैं कि हमको ट्रिगो को फॉर्मूला यूज होना शुरू करेगा, तो हमारे बाबू ने सही बोली है कि आपके पास यदि साइन आपके पास सी माइनस साइन डी तो इसका फॉर्मूला हम लोग बैक क्लासेज में पढ़ चुके हैं 2 cos c + d / क्या हो गया 2 और इनटू आपके पास हो गया sin c - d / क्या हो गया, ये आप लोग बैक क्लासेज में पढ़े हुए हैं। तो c के प्लेसेस पर क्या है x + del x और d के प्लेसेस पर क्या है x है, आप यहां समझ गए होंगे कि बाबू यहां पर आपका दिया हुआ है कि ये जो दिया हुआ है x + del x दिया हुआ है तो इसके प्लस पर क्या है c है और यहां पर आपके पास कौन सी है x दिया हुआ है बाबू तो यहां पर भी आपके पास कौन सी है d दिया हुआ है, आप यहां समझ गए होंगे बाबू कि ये आपके पास x के प्लेसेस पर ही क्या हो गया d हो गया, कांसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो c के जगह पर क्या पुट करेंगे x + del x और d के प्लेसेस पर x और यहां x प्लस कौन से होगा डेल एक्स और ये क्या हो जाएगा x, इस टाइप से क्वेश्चन भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ चुके होंगे। अब यहां पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा बाबू तो यार 2 हो जाएगा cos हो जाएगा और यहां पर x प्लस क्या हो जाएगा डेल एक्स प्लस क्या होगा x / क्या हो गया 2, फिर आपके पास क्या हो जाएगा बाबू sin x प्लस क्या होगा डेल एक्स माइनस x / क्या हो जाएगा 2 और y में आपके पास क्या हो जाएगा डेल एक्स हो जाएगा, कांसेप्ट क्लियर। अब यहां पर x और x क्या हो जाएगा बाबू कैंसिल हो जाएगा, आप सब कोई देख रहे होंगे यहां पर आपके पास क्या होगा x और x क्या होगा कैंसिल और x x क्या हो जाएगा 2x। अब यहां पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा बाबू यहां पर लिमिट कर देंगे और यह डेल x टेंड्स टू का हो जाएगा 0 और ये 2 हो जाएगा cos होगा और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस का होगा डेल एक्स और y क्या हो जाएगा 2 और इसका क्या वैल्यू बच जाएगा बाबू sin और डेल एक्स / क्या हो जाएगा 2 y में आपके पास क्या हो जाएगा डेल एक्स हो जाएगा। अब यहां तक आप समझ गए होंगे बाबू सब कुछ, अब यहां जब भी आप क्वेश्चन हम लोग के पास sin cos tan cos x secant cot को जब फाइंड करना होगा तो ठीक यहीं से आपका ट्रिगो का फार्मूला आपके पास कौन सी करने रहेगा पुट कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब कोई मेरे प्रिय स्टूडेंट ये चीज को ध्यान देना है कि हमको आप बोल दिए कि जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोल दिए तो ट्रिगो का कोई ना कोई फॉर्मूला आपका यूज होगा, आपको पहले से बैक क्लास में बताए थे कि जब भी कैलकुलस हमने यूज करेंगे तो ट्रिगो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, लेकिन ये माइंड पर नहीं सेट करना है कि कौन क्वेश्चन कहाँ पर आपका वैल्यू पुट करेगा, अभी जरूरी नहीं है कि फर्स्ट एक्सरसाइज पर आए तो फर्स्ट में हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन उसका कंप्लीटेड याद रहना चाहिए, ट्रिगो का फॉर्मूला यदि हम मिस करते हैं तो कैलकुलस हमको बहुत खतरनाक साबित हो जाएगा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके पास कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रिगो का फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब जिस बच्चा को यह यदि याद नहीं रहेगा तो यह पता चलेगा कि तोड़ने में दिक्कत होगा और हमने आपको स्टेप बाय स्टेप तोड़ा है, हमने 2 स्टेप बढ़ा दे रहा है 3 स्टेप बढ़ा दे रहा है
लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कौन वैल्यू कहां से वैल्यू पुट कर रहे हैं, याद रख रहे हैं ना बाबू। इसलिए हमने आपके पास पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, इसमें कोई शॉर्टकट हम नहीं मार रहे हैं, ताकि आपके माइंड पर बार बार रिपीट हो कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है और कौन वैल्यू कहां से पुट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब अप वाला थोड़ा फास्ट में लिख लीजिए, अब ये जाएगा साफ करेंगे तो लिखा है हो गया, हो गया सब किसी का हो गया गुरु, हो गया वो। चलो साहब वो सर अभी नहीं हुए, रुकिए ना सर थोड़ा। हाँ सुमान बाबू पूछिए ना, थोड़ा बहुत बोल लागे हो गया सर, पूछिए तो लिख लिया का पूरा हो गया है सर। सर नीचे मतलब जो है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, टू कॉस ए इंटू साइन बी दिख रहा है, टू कॉस टू एक्स प्लस डेल एक्स बाय टू इंटू साइन डेल एक्स बाय टू बाय डेल एक्स। यस सर कीजिए सॉल्व कीजिए सर। ध्यान दो, अब यहाँ पर आपके पास जब भी आएगा इसी तरह से सारे क्वेश्चन को वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हम लोग बाटा पर का एलसीएम जानते हैं, ये फर्स्ट पार्टिकुलर सेकंड एलसीएम करेंगे टू टू कैंसिल हो जाएगा, डेलेस बाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बाबू, डी वाई बाई कौन चीज का हो गया डी एस का, और यहाँ पर क्या हो गया लिमिट डेल एक्स टेंस टू का हो गया जीरो टू कॉस हो गया बाबू, और यहाँ एक्स बाई क्या हो जाएगा डेल एक्स बाई क्या होगा। आपको बार बार इंडिकेट किया कि यह डेल एक्स बहुत खतरनाक है, डेल एक्स को कैंसिल होना बहुत जरूरी है, तो साइन डेल एक्स बाई टू दिया हुआ है तो हम और मूव करेंगे लिमिट में जाएंगे, तो यहाँ पर डेल एक्स टेंस टू जीरो यहाँ पर लिखाए होंगे कि साइन डेल एक्स बाई क्या होता है डेल एक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वन। उसी तरह आपके पास लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो लिखेगा तो यहाँ पर साइन क्या होगा डेल एक्स बाय टू, और डाउन में क्या होना चाहिए डेल एक्स बाय टू, तब वैल्यू क्या होगा वन। आप तो सब पहले से जानते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ साइन डेल एक्स बाय टू है तो इसका बाई में तो डेल एक्स बाय टू नहीं है, तो हमारे मैथ में क्या होता है जो भी छिपा हुआ होता है उसको कौन सी करते हैं अपने अनुभव का रूप से कौन सी करते हैं पहचानते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे कि डेल एक्स बाई क्या करेंगे टू, और इंटू क्या हो जाएगा डेल एक्स बाई कौन सी टू, और बाई में हम लोग के पास क्या हो जाएगा डेल एक्स हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि यह आपके पास साइन का जो एंगल होता है वह बिलो में होता है, क्योंकि यहाँ पर डेल एक्स टेंस टू जीरो साइन डेल एक्स बाई टू, डेल एक्स बाई टू का वैल्यू वन, साइन लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो साइन डेल एक्स बाई डेल एक्स इसका टू क्या होता है वन।
अब एक पर क्लासेस में जान गए तो बाय में नहीं था तो हमने कौन सी कदर इनटू फिनिश को कंसीडर करेंगे क्वेश्चन जो के तय हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग के पास ही कौन सी हो गया, ये मेन बाय हो गया। अब यहां पर ये जो बाय दिया हुआ है तो टू को डाउन करेंगे तो ये टू और इनटू क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा ठीक है। अब ये डेल एक्स और ये डेल एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास दो बच गया ऑप्शन, ये फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकेंड, तो लिमिट आपके पास इनटू में दोनों फंक्शन में जाएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे बाबू यहाँ लिमिट करेंगे और डेल एक्स टेंस टू का होगा जीरो और कॉस हो जाएगा और एक्स प्लस का हो जाएगा डेल एक्स बाय क्या होगा टू और लिमिट आपके पास क्या हो जाएगा डेल एक्स टेंस टू का होगा जीरो और साइन हो जाएगा डेल एक्स बाय क्या होगा टू और डेल एक्स बाय क्या हो जाएगा आपके पास टू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। और इसमें दो फंक्शन हो गया एक एक्स हो गया एक कौन सा हो गया डेल, तो आपके पास बड़े होंगे आपके पास एक्स जीरो होगा तो कॉस एक्स होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा वन और यदि हम लोग के पास लिमिट डेल एक्स टू जीरो दिखेगा तो कॉस हमको डेल एक्स होगा तो वैल्यू क्या होगा वन, लेकिन यहाँ एक्स और डेल एक्स दोनों यहाँ ऐड किया हुआ है ठीक है तो इसका वैल्यू वन नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे कि लिमिट बढ़ाएंगे डेल एक्स की जगह पर वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे तो यहाँ पर x प्लस का होगा जीरो बाई क्या होगा टू और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वन, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा तो ये वैल्यू किसका है बाबू dy by कौन चीज का dx का, तो therefore यहाँ पर क्या होगा y का वैल्यू क्या पुट किया गया था sin तो dx is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर cos x, यही वैल्यू हम लोग को क्या करना था प्रूफ। समझ गए होंगे आप सब, कोई कोई दिक्कत होगा किसी को तो वो भूलेगा लास्ट में नोट करेगा। हो गया सर, ये जो आपके पास बैक क्लासेज में जो लिखा गया है और प्रूफ भी किया है उसको गौर से ध्यान देना है बाबू, आप सबको इसी तरह से ध्यान देना है, कभी साइन कभी कॉस कभी साइन साइन कभी कॉस कॉस आएगा। दो आपके पास यहाँ वेरिएबल हो गया है एक्स हो गया वो डेल एक्स हो गया तो आपके लिमिट या कॉस का बटा में तो होता नहीं है तो इसका नहीं तो सिंगल आता तो वन होता है, ये सिंगल आता तो वन होता क्योंकि यहाँ एक्स और डेल एक्स हो गया। अब इसका मतलब है कि इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा तो लिमिट हटाएंगे डेल एक्स का वैल्यू पुट करेंगे जीरो इसका वैल्यू वन हो गया, वन में इसे मल्टीप्लाई करेंगे कोई साइड इफेक्ट नहीं जीरो में टू से डिवाइड जीरो होगा इसका करेंगे तो कॉस होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, चलिए अब एग्जाम्पल इस पर ध्यान दीजिए। टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहां पर आपके पास फॉर्मूला तो आप सब कोई जानिएगा यहाँ साइन एक्स बाय क्या होगा डी एक्स इसका टू क्या होगा कॉस एक्स।
अब यहाँ पर हम लोग के पास क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति लिखता है कि यहाँ पर आपका साइन 2x, यहाँ पर सेकंड में लिख दिया साइन आपके पास 3x, कुछ भी लिखेगा, सेकंड थर्ड में लिख देगा कि साइन हम लोग के पास माइनस कोई 5x लिख दिया, यहाँ पर हमको कोई व्यक्ति या साइन आपके पास x प्लस कोई 2 लिख दिया, यहाँ पर आपके पास कोई व्यक्ति लिखता है, चलिए इसको अभी रोकते हैं, यहाँ x के पावर q लिख दिया, 5 में आपके पास साइन, यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर लिख दिया 3 आपका s के पावर 4, और यहाँ पर हम लोग के पास 5 6 में लिख दिया साइन आपके पास, यहाँ x प्लस आपका 1 लिख दिया। कुछ भी लिखेगा फॉर्म को पहले आप कौन सी करें, इसको स्टेप को समझे। अब यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कैसे होता है, या पावर दे, इनटू में कुछ दे, प्लस दे, माइनस दे, बटा दे, दे, उससे आपको कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कैसे किया जाता है उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर हम लोग के पास फर्स्ट में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है बाबू, साइन 2x लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2x, तो यहाँ पर साइन 2x हो गया, इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, या dy by क्या होगा बाबू, dy by हो जाएगा, चलिए हटाइए, अब यहाँ पर हम लोग के पास y आपके पास dy by dx हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, साइन आपके पास 2x और y क्या हो जाएगा dx। अब आपसे पूछता है, आप नीरज बाबू है, नीरज बाबू अब यहाँ पर बताइए, d sin x by dx by dx लिख दिया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा नीरज बाबू, मालूम है, चलिए सुमन बाबू, टू कॉस टू एक्स, टू कॉस टू एक्स, टू कॉस टू एक्स, चलिए बहुत अच्छा, टू कॉस टू एक्स होगा, कंसेप्ट क्लियर आपका हो गया, बहुत ही अच्छा। कैसे हुआ, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए बाबू, जो समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर dx इसका 2 इसका क्या हो गया cos x हो गया, तो गौर से आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि आप लोग को बार बार हमने इंडिकेट किए थे बाबू कि जब भी हमारे साइन का एंगल हो या किसी का फॉर्मूला का हो, तो ये आपके पास ये जो दिख रहा है एक्स है तो एक्स है, तब ना हुआ है cos x, तो एक्स है तो डाउन में भी क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए, क्या होना चाहिए बाबू 2x होना चाहिए। साइन का एंगल क्या दिया है बाबू, एक्स है, बिलो में भी क्या है एक्स, तो फॉर्मूला क्या प्रूव हुआ है कॉस एक्स, आपके सामने फॉर्मूला प्रूव हुआ है, ये नहीं है कि आप ऐसी तरह लिख दिया गया है, ऐसी बात नहीं है, तो साइन का एंगल 2x है तो बिलो में भी क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन कैसा हो क्यों ना हो, साइन यदि लिखता है और साइन के एंगल में जो होगा उसको अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके क्वेश्चन को कौन सी करेंगे इंक्रीज कर देंगे, जब तक ले साइन का एंगल और अप और बिलो सेम ना हो तो फॉर्मूला आपका सेम नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन कैसा हो क्यों ना हो, तो यह एक्स है तब तो ये कॉस एक्स हो गया,
एक्स विद रेस्पेक्ट टू क्या हो गया एक्स है तो बस सेम है। अब यहां पर हम लोग वही करेंगे कि डी यहां पर क्या होगा sin 2x और y यहां पर क्या लिख देंगे 2x और इनटू क्या हो जाएगा 2x और y क्या हो जाएगा। अब यह एंगल सेम हो गया तो यह जब सेम हो गया तो यह फार्मूला कौन सी होगा cos आपका 2x हो जाएगा और ये 2 कांस्टेंट है बाहर निकालिएगा ds ds का हो जाएगा 1 होगा तो इसका 2 का होगा 2 cos का हो जाएगा 2x हो गया। अब यह किसका वैल्यू आ गया भाव d आपके पास sin क्या होगा 2x y क्या हो जाएगा ds हो गया। अब इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके पास इसमें किसी तरह का भी क्वेश्चन आएगा जैसे आप sin 3x है तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा यहां पर d आपके पास sin कोई भी 3x लिखा तो इसमें कांस्टेंट कौन सी दिखाई दे रहा है भाव 3 दिखाई दे रहा है तो यहां पर क्या करेंगे यहां पर 3 लिख देंगे और यहां पर cos का लिख देंगे 3x यहां देख रहा है कि 2 है तो 2 cos 2x हो गया। तो उसी तरह आपके पास अब कोई भी होगा तो जब क्वेश्चन लॉन्ग होगा तो हमको डायरेक्ट ये वैल्यू को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 cos का हो जाएगा 4x हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट होगा आपके पास cos आपके पास यहां पर 7x होगा तो y क्या हो जाएगा ds तो यह वैल्यू क्या होगा 7 sin है। अब यहां पर क्या होगा वो sin तो यहां पर cos का हो जाएगा 7x हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन कोई भी होगा हमने डायरेक्ट इसको वैल्यू को कंटिन्यू कर सकते हैं यूज करते हैं तब जब क्वेश्चन आपका लॉन्ग में रहेगा तब। अभी तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है कि कैसे सॉल्व हो रहा है इसको फास्ट में नोट कर लीजिए जिसको लिखना है इसको फास्ट में नोट करें स्लाइड में जो लिखते हैं उस पर भी ध्यान देना है। हो गया सर अब ये देखो माइनस थर्ड नंबर साइन क्या है माइनस क्या है बाबू फाइव है सॉल्व कर दीजिएगा बाबू लेट कर दीजिएगा वाई इसका टू क्या होगा साइन माइनस क्या है फाइव एक्स यहाँ पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा एक्स यहाँ पर डी वाई वाई क्या होगा डी एक्स डी यहाँ पर क्या होगा बाबू साइन माइनस क्या होगा फाइव एक्स वाई क्या हो जाएगा डी एक्स। अब ये साइन का एंगल एक्स बिलो एक्स तो साइन का एंगल आपका माइनस फाइव एक्स है बिलो में भी क्या होना चाहिए साइन यहाँ पर आपके पास क्या होगा माइनस फाइव एक्स है तो डाउन में भी आपका क्या होना चाहिए माइनस फाइव एक्स और इंटू आपके पास क्या होगा माइनस फाइव एक्स बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। अब एंगल एक्स सेम हो गया तो ये फॉर्मूला क्या होगा कॉस आपका माइनस क्या हो जाएगा फाइव एक्स और ये माइनस फाइव कॉन्स्टेंट निकल जाएगा बाबू तो ये डी एस क्या हो जाएगा वन इसका टू क्या होगा बाबू माइनस फाइव और क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर कॉस और बेस। अब यहाँ हम लोग के पास किसका वैल्यू निकल गया बाबू डी आपके पास साइन माइनस फाइव एक्स बाय कौन चीज का डी एस का तो यही आपका कौन चीज हो जाएगा बाबू आंसर हो गया। अब समझ में आ गया होगा। अब यही चीज कोई व्यक्ति यहाँ पर आपके पास कोई व्यक्ति यहाँ लिख देता है माइनस क्या लिख देगा बाबू यहाँ पर आपको माइनस आपके पास थ्री एक्स चलिए साफ करके लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग के पास ये डायरेक्ट में लिखने सोल्व करने का तरीका हुआ हुआ क्वेश्चन यदि हम लोग के पास लॉन्ग करेगा तो यहाँ पर आपका डी क्या होगा साइन यहाँ माइनस का होगा थ्री एक्स और वाई क्या हो जाएगा डी एक्स तो माइनस का हो जाएगा थ्री
और cos क्या हो जाएगा minus 3x हो जाएगा। अब यहां आपके पास कोई भी क्वेश्चन डालेगा या दिमाग में आपको सेट कर लेना है minus कोई 4x डालेगा by dx तो क्या कर लेंगे minus 4 cos क्या हो जाएगा minus 4x। अब यह आपका cos या आपके जो भी कांस्टेंट होगा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। अब माइनस यहां कोई 10x लिख देगा और y का लिख देगा dx तो यहां माइनस का होगा 10 और cos क्या हो जाएगा माइनस 10x हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति आपको चकमा देने की कोशिश भी करेगा क्या करेगा आप थोड़ा सो चकमा वाला भी ध्यान दे देना चाहिए आपको। अब कोई कहेगा कि नहीं हम ये नहीं लिखना चाहते हैं कौन नहीं लिखना चाहते हैं cos के एंगल में माइनस नहीं लिखना चाहते हैं हमको प्लस लिखना है तो आपके पास सब कोई पहले से जानते हैं कि cos माइनस थीटा होता है तो प्लस क्या होता है cos थीटा। यदि हमको यहां पर कोई व्यक्ति यहां कोई भी माइनस यहां पर 10x लिख दिया है हम चाहेंगे तो cos आपका 10x लिख सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपके पास तो फॉर्म क्या और इस फॉर्म पर चलेंगे तो ये वैल्यू प्लस में करना है कि यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तो हमको घुमाने की कोशिश करेगा पहले से इंडिकेट कर दिए हैं ठीक है। और यहां पर आपके पास हर हमेशा माइंड को सेट करना है कि बच्चे को डिविएशन करता है। अब यहां पर कोई भी व्यक्ति आपके पास cos यहां माइनस 4x लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं cos का लिख सकते हैं 4x। मेरे बात को समझ गए ये सब चीज को नोट कर लीजिएगा ठीक है। अब याद रखिए फास्ट में नोट कर ले अब इसको प्लस में भी चेंज कर सकता है किन फॉर्मूला लेकर ये फॉर्मूला लेकर सबका हो गया। यस सर चलो सर हो गया। अब मेरे प्रिय स्टूडेंट सब कोई यस सर हो गया सर हो गया सर अब यहां पर फोर है बाबू फोर नंबर आपके पास लिखा हुआ है साइन एक्स क्यूब लिखा है बाबू यहाँ पर सोल्व कर दीजिएगा बाबू लेट कर दीजिएगा वाई इस कैलकुल क्या होगा साइन एक्स क्या होगा बाबू। अब साइन एक्स क्यू हो गया हम सब कोई पहले से जान गए हैं समझते भी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बाबू आपके पास डी वाई वाई क्या हो जाएगा डी एक्स होगा डी आपके पास क्या होगा साइन एक्स का होगा क्यू वाई क्या हो जाएगा डी एक्स तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा साइन आपके पास क्या होगा एस क्यू होगा और डाउन में क्या हो जाएगा एस क्यू और ये क्या होगा एस क्यू बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। अभी तो आपको बताया कि साइन के जो एंगल में होगा वो कौन सी में होना चाहिए बिलो में होना चाहिए दिखाई दे दिया तो बिलो में कर दिए। अभी फॉर्मूला के अनुसार यहाँ दिखाई दे रहा है कि एंगल सेम है तो यहाँ पर आपके पास हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो जाएगा cos हो जाएगा और x का होगा q और इसका फॉर्मूला के अनुसार किसका जाएगा x जाएगा तो पावर इनटू कर देंगे डिफरेंस कर देंगे माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर 3x स्क्वायर इनटू cos का हो जाएगा x का होगा q यही आपका कौन सा होगा बाबू आंसर किसका वैल्यू आ गया बाबू d आपके पास sin x का होगा बाबू q और
क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग के पास जो दिया हुआ वैल्यू है, तो आपके पास कोई भी व्यक्ति यहाँ पर यह लिखता है कि साइन और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और बाई क्या लिखता है बाबू, डी एक्स। तो साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स लिखता है, तो यहाँ पर गौर करो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, टू एक्स होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू एक्स कर देंगे और यहाँ पर कॉस का हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ये डायरेक्ट में हो गया। अब यहाँ पर हमको कोई व्यक्ति यहाँ लिखता है कि साइन यहाँ पर एस के पावर फोर, तो बाई क्या हो जाएगा, डी एस। तो मन में बैठा लेंगे एंगल, एस के पावर फोर का डिफरेंशियल क्या होगा, फोर एक्स क्यूब होगा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, फोर एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ कॉस क्या हो जाएगा, एस के पावर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा आप लोग के पास, किसी तरह का आपके पास दिक्कत होगा तो आप बोलना है। और यहाँ एस के पावर फाइव होगा तो क्या कर लेंगे, फाइव एक्स के पावर फाइव का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, एक फोर हो जाएगा और कॉस क्या हो जाएगा, एस के पावर फाइव। ये आपके पास क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहा है तो ये दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन यदि लॉन्ग क्वेश्चन में जाएगा तो डायरेक्ट करेंगे। तो आप कोई भी व्यक्ति आपके पास बाबू जब कोई भी लिखता है तो डी एस के पावर एन बाई डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला आपके पास एक्स के पावर एन माइनस वन एन होता है बाबू। तो यहाँ पर हमने एक्स के पावर क्यू लिखते हैं, अब आई कौन सी डी एक्स, अप मैक्स डाउन मैक्स, अप मैक्स डाउन मैक्स, तो पावर क्यू है एन है, तो आपके पास एन के प्लस पर क्या हो जाएगा, थ्री होगा, एक्स होगा थ्री माइनस वन। ये तो कितना बार आपको क्वेश्चन को सोल्व किया गया, तो इसीलिए थ्री एक्स स्क्वायर हो गया। उसी तरह यह भी आपका हो गया, इसको फास्ट में नोट कर लीजिए बाबू। फास्ट में नोट कर लो अब, हो गया सर। अब यहाँ पर हम लोग के पास फाइव है। आपको क्वेश्चन को आप तो समझ गए ही होंगे कि क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहा है बाबू। अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसी तरह हम पुट करके, किसी का प्रोसेस थोड़ा बढ़ेगा और किसी का प्रोसेस थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन रूल आपका चेंज नहीं होगा बाबू। रूल आपके पास क्या हो गया, फिक्स हो गया, इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। और यहाँ पर डी आर हो गया बाबू थ्री एस के पावर फोर और बाई क्या हो जाएगा, डी एस। अब यह साइन का एंगल जो दिया है बिलो में हमको करना पड़ेगा बाबू, फॉर्मूला तो वहां है इंडिकेट, तो आपको समझिए गए होंगे। और डी साइन आपके पास क्या होगा, थ्री एस के पावर फोर और बाई क्या हो जाएगा, थ्री एस के पावर क्या होगा, फोर। और इंटू आपके पास क्या होगा, थ्री एस के पावर क्या होगा, फोर, बाई क्या हो जाएगा, डी एस। एंगल ये दोनों सेम हो गया, क्या लिख देंगे बाबू, कॉस आपका 3x के पावर का होगा बाबू 4, 3 कांस्टेंट है वहां निकालोगे, और x के पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4x का हो जाएगा क्यूब। ये डिफरेंशियल होगा तो ये कितने हो गए, चार दिया कितने हो गए, 12 हो गया, x का क्या होगा क्यूब और कॉस क्या होगा बाबू 3x के पावर का होगा 4। ये आपके पास कौन से हो गया आंसर। यहाँ पर हम लोग के पास साइन आपके पास क्या होगा बाबू, थ्री एस के पावर कौन सी, फोर, और बाई क्या हो जाएगा, डी एस। तो यहाँ आप समझ गए। अब यहाँ पर आपके पास यदि हमको चूज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमको तो इतनी टाइम नहीं लगाना है, बार बार रिविजन करना है, हमको 50 ऑब्जेक्टिव को कैच करना है या अदरवाइज कॉम्पिटिशन में हमको कैच करना है, तो इतना हमने रफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जब हमने बार बार रिविजन करेंगे तो क्वेश्चन का अंक हमको पता चल जाएगा। मान लीजिए कि 2x कोई q लिख दिया, अब y क्या लिख दिया, dx। तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है ही, x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा, 3x स्क्वायर, तो क्या करेंगे, तीन दुनी क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा और cos क्या हो जाएगा, 2x के पावर का हो जाएगा, है ना।
अब यहां पर इस तरह से आपका प्रोसेस चलेगा तो यही आपको कौन से होगा कैच होगा। अब यहां पर हम लोग के पास कोई व्यक्ति यहां लिखता है कि साइन और यहां पर हमको कोई माइनस यहां पर 3 लिख दिया और x के पावर कोई 5 लिख दिया ठीक है और ये कांस्टेंट प्लस माइनस कुछ हो लिख के अगर बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं माइनस 3 तो कांस्टेंट है प्लस भी 2 का है कांस्टेंट है तो x के पावर 5 का डिफरेंशियल क्या होगा 5 x के पावर 4 तो क्या हो जाएगा माइनस 15 5 किया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा एक घर जाएगा देश के पावर क्या होगा 4 और यहां पास cos हो जाएगा cos आपके पास माइनस 3 x के पावर क्या होगा माइनस वाला तो अभी बताया है बाबू कि आप माइनस वाला चाहिएगा तो पंच में बदल सकते हैं प्लस में इसके फार्मूला पर और या आप जाने हैं आप चाहोगे तो इस तरह से कभी कभी आपको चकमा देने की कोशिश करेगा तब तुरंत हम अपने फार्मूला की ओर मूव कर जाएंगे cos माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा होता है तो ये मन में बैठा कर आपकी कोई भी आपके पास फार्मूला को आप इंडिकेट करेंगे आप इसको तोड़ेंगे तो दो तीन स्टेप क्या होगा बढ़ेगा तो कब बढ़ाएंगे जब सिंगल हमसे पूछेगा तो शॉर्ट में तो इसको इस तरह बनाएंगे यदि लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट रखेंगे ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो मन में बैठा कर समझ देंगे कि इसका क्वेश्चन का आंसर ये होगा तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे और डी यहाँ पर साइन आपके पास अब कोई व्यक्ति 7x लिख दिया और यहाँ पर 8 लिख दिया बाई क्या लिख दिया डीएस लिख दिया तो तुरंत ध्यान देना है कि 8 सत्य कितने हो जाएंगे 56 हो जाएंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे 56 और एक्स के पावर 8 का कितना हो जाएगा डिफरेंशियल ठीक है 8 ना होगा तो या आपके पास दिमाग में रखना है कि एक्स के पावर 8 ये सब प्रैक्टिस में रखना है तो ये 8 ना होगा और एक्स के कौन से होगा 7 होगा ठीक है तो यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट 7 है 8 7 56 हो गया तो यहाँ पर 8 में से घटाएंगे तो कितने हो गए 7 हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स के पावर क्या होगा 7 हो जाएगा कॉस हो जाएगा और 7 एक्स के पावर क्या हो जाएगा 8 कंसेप्ट आप समझ गए होंगे आपको दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए चाहे प्लस में भाई या माइनस में ये आपके पास फॉर्म को समझ रहे होंगे तो दिक्कत फास्ट में नोट कर लिया जाए हो गया सर क्या सर अब वहां पर हम लोग के पास है बनाने सॉल्व करने का तरीका तो आप सब लोग लगभग हमको लगता है कि समझ गए होंगे और x प्लस क्या है 1 है यहाँ पर लेट कर देंगे बाबू y इज इक्वल टू क्या होगा साइन x प्लस क्या है 1 तो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू कौन से हो गया x तो ये क्या हो जाएगा dy by क्या होगा dx डी यहाँ पर साइन क्या होगा बाबू एक्स प्लस वन और आप सबको जानते हैं कि एंगल हमको सेम होनी चाहिए तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा एक्स प्लस का होगा 1 वाई क्या हो जाएगा एक्स प्लस का होगा 1 और यहाँ पर क्या होगा एक्स प्लस 1 और वाई क्या होगा डी एक्स होगा आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे अब यहाँ पर सबको पहले ध्यान देना है कि हमने साइन का जो भी एंगल में प्लस हो माइनस हो इंटू हो बटा हो रूट हो या बाई में होना ही चाहिए क्या होना चाहिए जब तक ले यहाँ फॉर्मूला आपके पास यहाँ इंडिकेट है कि या एंगल एक्स है या एक्स है तो कॉस एक्स है उसी तरह एक्स प्लस वन है तो राउंड में भी एक्स प्लस वन होना चाहिए और बाकी जो आएगा तो बैक में आपका फॉर्मूला जो इंडिकेट किया अभी कितने पार्ट में चला जाएगा दो पार्ट में चल जाएगा अर्थात आप जानते हैं कि हम लोग के पास एक्स प्लस वन बाई क्या है डीएस तो इसको कितने पार्ट में बांटेंगे डीएस बाई क्या होगा डीएस और डी वन बाई क्या होगा डी एस तो क्या हो जाएगा 1 की 0 तो वैल्यू क्या होगा 1 आपके पास पहले से आपका ये तोड़ा हुआ है लेकिन मन में हमने डायरेक्ट तोड़ने की कोशिश करते हैं और आपको ये समझाने की हम कोशिश की है
अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा एक्स प्लस क्या होगा वन, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा वन। अब यहाँ पर कॉस क्या हो गया, एक्स प्लस क्या हो जाएगा वन। आप समझ गए, आप यहाँ चाहते हैं कि नहीं इसको दो पार्ट में लिखना चाहिए तो वन लिख दीजिए, जीरो लिख दीजिए, वन में जीरो करेंगे वन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, यही बात कुछ कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर आपको समझा दिए, ठीक है, तो आपके पास लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर किसका वैल्यू आ गया बाबू, देयरफॉर डी आपके पास क्या होगा साइन एक्स प्लस कौन सी होगा वन, और वाई क्या होगा डीएक्स, यही आपका आंसर हो गया। अब ध्यान देना है कि यहाँ एक्स प्लस वन है तो यहाँ एक्स प्लस टू भी हो सकता है, एक्स प्लस थ्री भी हो सकता है, एक्स प्लस फोर भी हो सकता है, तो हमको यहाँ पर ध्यान देना है सबको के बाबू कि डी यहाँ पर साइन यदि एक्स प्लस टू डालेगा और वाई क्या करेगा डी एक्स, तो यहाँ पर वन के जगह पर क्या है ये ना, ये भी तो कॉन्स्टेंट होगा, इसका एक्स प्लस टू का कौन डिफ्रेंशिएट करो तो इसका वन होगा, इसका टू होगा तो यह जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस कौन सी टू, क्यों यह फॉर्म को चेंज करने के बाद ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग के पास कोई व्यक्ति यही लिख देता है कि साइन और यहाँ एक्स माइनस टू लिख दिया और वाई क्या लिख दिया डी एक्स, तो एक्स माइनस टू का डिफरेंशियल आप लोग करेंगे तो क्या होगा वन है ना होगा, एक्स माइनस टू का डिफरेंशियल करोगे तो क्या होगा डी एक्स वाई क्या होगा डी एक्स माइनस आपके पास टू वाई क्या होगा डी एक्स, तो ये कैंसिल होगा वन जीरो का वैल्यू क्या होगा वन, चाहे प्लस में हो या माइनस में, जब तक ले वेरिएबल में आपका कोई कॉन्स्टेंट ना हो तो समझो कि यह जो फॉर्मूला है आपका जो कहते ही हो जाएगा, कॉस आपके पास एक्स माइनस का हो जाएगा टू होगा। अब यहाँ पर अब कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखेगा, आप समझ गए होंगे मेरे बात को, और यहाँ पर यहाँ टेन कोई भी लिखेगा भाई क्या ऊंची लिखेगा डी एस, तो कॉस क्या हो जाएगा एक्स प्लस का हो जाएगा टेन ही होगा, चाहे प्लस में हो या माइनस में, फॉर्म को इस तरह चेंज करने के बाद ही होता है न कि अपने मन से हो जाता है, समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट में नोट कर लिया जाए, हो गया सर। किया ना था अरे एक एक आदमी पे उदान हुआ एक और सेकंड नहीं लुकता है कहता है कि हो गया है, थोड़ा एक और सेकंड रुकता भी नहीं है, मशीन है का जी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाबा हो गया है, पूर्वा खान से तू नहीं समय नहीं लगता है कहता है कि हो गया। अब बाकी लड़का सब अब यहाँ चीज को अब हो गया, अब थोड़ा सा मेरा ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम लोग के पास यहाँ सेवन में हमने फंड कर रहे हैं सेवन, अब यहाँ पर साइन हमको कोई व्यक्ति यहाँ पर थ्री एक्स और यहाँ प्लस वन लिख दिया, पहले अभी जो सोल्व किया है उसमें वेरिएबल में कोई कांस्टेंट नहीं था, अब इसमें वेरिएबल में क्या हो गया बाबू कांस्टेंट हो गया, ये आपके पास जो फर्म जो पहले से पुट हो रहा है रूट पुट हो रहा है उसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, चाहे क्वेश्चन कैसा हो क्यों ना हो, या थ्री एक्स प्लस क्या हो गया वन, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू क्या हो गया बाबू एक्स, या डी वाई वाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो गया, और डी यहाँ पर क्या होगा साइन आपके पास थ्री एक्स प्लस क्या होगा वन, वाई क्या हो गया डी एक्स। अब फॉर्मूला आप हर हमेशा माइंड पर ध्यान दें, कोई लड़का आवाज ना करें, और यह साइन एक्स है वाई क्या है डी एक्स, इसका टू क्या है कॉस एक्स। अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या होगा, ये तो आपको बार बार हमने इंडिकेट कर रहे हैं, जो मेरे प्रिय स्टूडेंट है बार बार समझ रहे कि एक्स है तो यहाँ भी बिलो में क्या है एक्स है, थ्री एक्स प्लस वन है तो बिलो में भी क्या होना चाहिए थ्री एक्स प्लस वन, थ्री एक्स प्लस क्या होगा वन, बाई क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वन इंटू हो जाएगा
थ्री एक्स प्लस का होगा वन बाय क्या हो जाएगा थ्री एक्स। अब यहाँ दोनों एंगल सेम होगा आपके अप डाउन, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा थ्री एक्स प्लस का होगा वन, यदि सेम नहीं होगा तेरे साइन का फॉर्मूला ही फूटेगा। अभी कितने पार्ट में बनेगा बाबू, दो पार्ट में बनेगा, तो यहाँ पर हम एक बार स्टेप को बढ़ा दे रहे हैं ना, तो बच्चे हर हमेशा समझेंगे कि सर डायरेक्टली लिख देते हैं। और ये डी एक्स हो जाएगा बाबू, अब थ्री कॉन्स्टेंट है ना बाबू, यहाँ पर कॉस आपके पास थ्री एक्स प्लस का होगा वन, और यह थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर निकलेगा डी ए डी एक्स का होगा वन, बिलो मैक्स है अब मैक्स नहीं है तो वैल्यू क्या होगा जीरो, इसका वैल्यू कितना है थ्री है, तो थ्री क्या हो जाएगा कॉस आपके पास थ्री एक्स प्लस का होगा वन, ये किसका वैल्यू आया बाबू डी साइन आपके पास थ्री एक्स प्लस वन का बाई कौन सी हो गया बाबू डी एक्स, यही आपका कौन सी होगा आंसर। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हमारे पास कोई व्यक्ति या क्वेश्चन लिखेगा कि साइन यहाँ पर आपके पास टू एक्स प्लस वन लिखे बाई कौन सी लिख दिया डी एक्स, तो यहाँ पर जो फॉर्म है पहले उसको एक बार रिविजन स्टेप बाय स्टेप करके तोड़ ले अपना से समझ ले, उसके बाद में क्वेश्चन जब समझ में आ जाए तो डायरेक्ट हमने लिखेंगे, तब लिखेंगे जब लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तब, शॉर्ट जब रहेगा तो इसको तो आपको एक्सप्लेन करना होगा स्टेप बाय स्टेप रखना होगा, ठीक है। दो नंबर का होगा ऑब्जेक्टिव रहेगा तो डायरेक्ट लिखना है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा तो डायरेक्ट लिखना है, जानते हो तब, नहीं जानते हो तो इतना प्रोसेस में आपको प्रवेश करना पड़ेगा, तो ये आपको चार पांच स्टेप क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इसमें देख रहा है कि आप थ्री कौन वेरिएबल के साथ है तो थ्री आपके पास बाहर निकला हुआ है ना बाबू, और जो फॉर्मूला है आपका यूज कर दिया, तो उसी तरह इसमें क्या वेरिएबल के साथ में क्या है बाबू टू है, यहाँ पर टू कर दो और प्लस कर दो और यहाँ पर क्या होगा टू एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर आपके पास डी आपके पास साइन, यहाँ पर कोई व्यक्ति फोर एक्स लिख दिया और प्लस यहाँ पर कौन सी लिख दिया थ्री। अब यहाँ जानते हैं कि वन भी कॉन्स्टेंट है और थ्री भी क्या है कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल के साथ में कोई भी कांस्टेंट होगा तो समझे कि फॉर्मूला के बगल में कौन सी कर देना है जो आएगा उसको इंटू कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है फोर जो दिया है तो यहाँ पर क्या कर देंगे फोर कर देंगे और कॉस क्या हो जाएगा फोर एक्स प्लस क्या हो जाएगा थ्री, क्योंकि वन भी कॉन्स्टेंट है थ्री भी कॉन्स्टेंट है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, और टू एक्स वेरिएबल है वेरिएबल के साथ में कॉन्स्टेंट है वेरिएबल के साथ में कॉन्स्टेंट है उसका आंसर कौन सी होगा प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या होगा डी, यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर लिखता है एट एक्स लिखता है माइनस यहाँ पर टू ए लिख दिया, क्या लिख दिया टू ए लिखा थ्री ए लिखा कुछ भी लिखा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस थ्री है तो यहाँ पर थ्री कॉन्स्टेंट है तो आप जानते हैं कि आपके पास यहाँ पर प्लस रहे या माइनस रहे जीरो का कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेरिएबल के साथ में कॉन्स्टेंट कितना है एट है तो हम क्या करेंगे बाबू एट कर देंगे और कॉस कर देंगे और एट एक्स माइनस का कर देंगे थ्री। अब यहाँ की वेरिएबल के साथ में रहेगा उसका कॉन्स्टेंट आंसर में प्राप्त होगा, और जिसमें आपके पास वेरिएबल नहीं होगा कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, अर्थात डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट क्लियर फर्स्ट में नोट कर लिया जाओ। होगा बाबू सबका मैंने थ्योरी प्रूफ कर रहा है बाबू और सब पर हमने एग्जांपल दे रहे हैं, हमने बोल दिया कि कुछ भी रहेगा जिसका जो रूल है नियम होना है वो चेंज नहीं होगा, बैक से आप सब चीज को देखते जाइएगा धीरे धीरे इस सब में प्रवेश करेगा, ठीक है हो गया सब। यस सर हो गया ये तो अब आप लोग क्वेश्चन ले लीजिए घर पर सॉल्व करने के लिए।
चलिए नोट फर्स्ट में नोट कर लीजिएगा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा बाबू चले यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो रहा है बाबू अब यहाँ पर हम चेंज कर दिया आप लोग को बाबू दो नंबर यहाँ पर क्या कर दिए एस के पावर क्यू प्लस यहाँ पर कौन सी टू एक्स थर्ड नंबर साइन यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपका पास क्या होगा थ्री एक्स प्लस का हो जाएगा वन और नंबर में साइन आपके पास क्या हो जाएगा एक्स क्यू हो गया और यहाँ पर आपके पास टू एक्स हो गया अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर अब यहाँ पर हमको फाइव हो गया साइन हो गया यहाँ पर एक्स बाई आपका क्या हो गया टू सिक्स में हो गया साइन एक्स के पावर क्यू बाई यहाँ पर फोर और यहाँ पर आपके पास सेवन हो गया साइन यहाँ पर एक्स क्यू हो जाएगा प्लस क्या होगा वन और बाई क्या होगा एक्स प्लस वन और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया एट साइन हो जाएगा तो बस से मेरे बात को ध्यान देना जी ठीक है अब ये आप लोग के पास यह क्वेश्चन आपके पास इंडिकेट करना शुरू हो गया ठीक है या आपके पास दिया होगा जितना भी है अब यहाँ पर हमको थ्री एक्स स्क्वायर और बाई क्या लिखेगा यहाँ पर फोर नाइन नंबर साइन यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर एक्स बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर टू एक्स हो जाएगा नाइन क्वेश्चन आपको सोल्व करके आना है सोल्व करके आना है बाबू सब किसी का हो गया यस सर बेस्ट ऑफ लक प्रणाम सर आपके लिए कल्याण हो ओ सनम तेरी कसम कोई आवाज चल रहा है आवाज सुन रहे सर बोलो प्रणाम सर खुश रहिए बाबू खुश रहिए जल्दी फास्ट में निकलिए आप लोग एक एक करके